दोस्तों फिलहाल बॉक्स ऑफिस पर तीन बड़े सुपरस्टारों की तीन बड़े फिल्में एक साथ चल रही है और तीनों ही फिल्मों को सिनेमाघरों से शानदार रेस्पॉन्स मिल रहा है और ये फिल्म दिन बे दिन दबड़तोड़ कलेक्शन कर रही है। एक तरफ है तमिल के सुपरस्टार रजनीकांत सर की फिल्म जेलर, जिसने सिनेमाघरों में तहलका मचा रखा है और इंडिया के साथ साथ ओवरसीज में भी ये फिल्म तगड़ा कलेक्शन कर रहा है। ये फिल्म को रिलीज हुए आज सिनेमाघरों में आठवां दिन चल रहा है। दूसरी तरफ है बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार की फिल्म ओ माई गॉड 2, जो गदर 2 के तूफान के साथ बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्मेंस दिखा रही है। फिल्म को रिलीज हुए आज सिनेमाघरों में सातवां दिन चल रहा है। और दूसरी तरफ है बॉलीवुड के सबसे बड़ा एक्शन हीरो सनी देओल के फिल्म गदर 2, जिसने सिनेमाघरों में तूफान मचा रखा है और फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर दबड़तोड़ कलेक्शन कर रहा है। वो बड़े बड़े रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है जो अब तक शायद बॉलीवुड में किसी भी अभिनेता या बड़ी सुपरस्टार कोई भी अभी तक नहीं किया था। लेकिन फिलहाल इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रजनीकांत सर की फिल्म जेलर पूरे इंडिया में और पूरे ओवरसीज में कितनी कमाई कर चुका है, और साथ ही साथ बात करेंगे ओ माई गॉड 2 और गदर 2 फिल्म के पूरे आठ दिनों की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। बस आप इस वीडियो के साथ बने रहिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप भी बॉलीवुड के सबसे बड़ा एक्शन हीरो सनी देओल जी को और बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार को और रजनीकांत जैसे सुपरस्टार को आप भी अगर एक बेहतरीन अभिनेता मानते हैं तो वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले बात करें फिल्म जेलर की। तमिल में सबसे बड़ा रिकॉर्ड करने जा रहा है फिल्म जेलर। तमिल में सबसे ज़्यादा पैसा कमाने वाली फिल्म बन चुका है जेलर, क्योंकि फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर बहुत तूफान जा रही है जो शायद पहले कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। जेलर फिल्म का बजट जो था लगभग 250 करोड़ रुपये का था, तो पहले दिन जेलर फिल्म ने 48 करोड़ 20 लाख रुपए पूरे इंडिया से कमाई की थी। और यहाँ पर हम ये भी बात बता देते हैं कि जेलर फिल्म 5 भाषाओं में रिलीज हुई थी। दूसरे दिन इंडिया से कमाई की थी 25 करोड़ 75 लाख रुपए और तीसरे दिन इंडिया से कमाए थे 34 करोड़ 30 लाख रुपए और चौथे दिन फिल्म ने कमाई थी 42 करोड़ 20 लाख रुपए। पाँचवें दिन इंडिया से कमाई थी 23 करोड़ 55 लाख रुपए। छठे दिन 25 करोड़ लगभग कमाई की थी और सातवें दिन पूरे इंडिया से लगभग 15 करोड़ रुपए की कमाई की थी। और फिल्म पहले 7 दिनों में जो कमाई की थी पूरे इंडिया के अंदर 235 करोड़ 55 लाख रुपए। वही फिल्म का इंडिया में ग्रॉस कलेक्शन 265 करोड़ रुपए हो चुका था। ओवरसीज से फिल्म कमा लिए थे 185 करोड़ रुपए और पूरे वर्ल्ड में अपने पहले 7 दिनों में जेलर ने 450 करोड़ रुपए कमा लिया है। इसके बाद बात करेंगे बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार के ओ माई गॉड 2 फिल्म ने पूरे इंडिया के अंदर अपने पहले दिन 10 करोड़ 26 लाख रुपए कमाई थी, तो दूसरे दिन 15 करोड़ 30 लाख रुपए, तो तीसरे दिन 17 करोड़ 55 लाख रुपए का, चौथे दिन फिल्म ने कमाया था 12 करोड़ 6 लाख रुपए और पांचवें दिन 17 करोड़ 10 लाख रुपए और छठवें दिन फिल्म का कलेक्शन रहा था 7 करोड़ 20 लाख रुपए। तो फिल्म ने अपने 6 दिनों में 79 करोड़ 10 लाख रुपए इंडिया से नेट कर चुकी थी। तो वही फिल्म का इंडिया में ग्रॉस कलेक्शन 94 करोड़ रुपए हो चुका था और ओवरसीज से फिल्म कमा चुकी थी 55 करोड़ रुपए और पूरे वर्ल्ड में कुल मिलाकर 109 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर चुकी थी अक्षय कुमार के फिल्म ने। और अब बात करेंगे बॉलीवुड के सबसे बड़ा एक्शन हीरो सनी देओल जी के गदर 2 के बारे में। गदर 2 का जो पहले दिन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था वो 40 करोड़ 10 लाख रुपए का नेट हो रहा था इंडिया के अंदर। दूसरे दिन इंडिया के अंदर कमाए थे 43 करोड़ 8 लाख रुपए और तीसरे दिन संडे के दिन 51 करोड़ 70 लाख रुपए। चौथे दिन फिल्म ने कमाए थे 38 करोड़ 70 लाख रुपए। पांचवें दिन फिल्म की कमाई थी 55 करोड़ 40 लाख रुपए यार छठवें दिन 32 करोड़ 37 लाख रुपए। तो अपने पहले 6 दिनों में गदर 2 ने